सारे क्लाउड्स नीचे आ गए हैं। ये हमारे रणवीर सिंह और वो हमारी राखी सावंत। राम बहुत टैलेंटेड होते हैं वो बच्चे। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ हिम। बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा यहाँ पर थर्ड डे। आज हम जाएंगे यहाँ की जो लोकल मार्केट्स है उसको एक्सप्लोर करेंगे। कल हम जा रहे हैं नाथुला पास के लिए, क्योंकि पासेस जो हैं वो हमें कल के मिले हैं। और मैं आपको व्यू दिखाऊं अपनी बालकनी से। अभी हम खड़े हैं सेल्स एम्पोरियम के सामने। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम और गैंगटॉक में ही है। और ये है इसका व्यू। अंदर चल के देखते हैं क्या है यहाँ पर। डिस्प्ले ओनली यहाँ पर भी है। ओके, वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं थी तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। सामान वही हैंडीक्राफ्ट में, जैसे यहाँ के सिक्किम के बच्चों का एक ट्रेडिशनल टेबल होता है ना, जिसपे बैठ के बच्चे नीचे पढ़ाई करते हैं, वो सब थे। बट कॉस्टली लगे हमें, 13,000 15,000 ये प्राइस था। बाकी टॉयज़ थे बच्चों के लिए। और सिक्किम के जो ट्रेडिशनल कारपेट्स होते हैं, रग्स होते हैं, कुशन्स, वो सब थे। 100 रुपीज़ में आप आके ट्रेडिशनल जो कॉस्ट्यूम है उसमें फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दरी, कारपेट, रग्स कैसे बनाते हैं हाथ से बना रहे हैं कारपेट्स। ये है इनकी मील, बोल सकते हो आप, जहाँ ये सब बनाते हैं। ये देखो, What I try to tell you with my song. ये किस चीज का काउंटर है? किस चीज के टिकट मिलती है यहाँ पर? म्यूजियम है ऊपर वो देखने का। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे सिक्किम का जो ट्रेडिशनल अटायर होता है ना, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट अटायर। लैपचा बैग पहनते हैं यहाँ पर, जो कपड़ों के ऊपर ही पहनते हैं वो लोग। कपड़ों के ऊपर ये लोग पहनते हैं ना, यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस होगी। ये क्राफ्ट म्यूजियम ये लिखा है। हम इधर जा रहे हैं, यहाँ से व्यू देखिए आप। सिर्फ मन करता है ग्रीनरी को देखते रहें। आँखों को इतना अच्छा लगता है ग्रीनरी, इतना अच्छा लगता है नील चौधरी, बहुत अच्छा। इसमें ये लिखा है नो फोटोग्राफी, नो फोटोग्राफी बाहर से। अंदर लिखा हुआ है फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड, तो हमें ये यहीं पर रोकनी पड़ेगी वीडियो। बाद में आपको बताते हैं कि अंदर क्या क्या देखा। ये देखो, 10 मिनट में बिल्कुल चेंज हो गया है यहाँ पे वेदर। सारे क्लाउड्स नीचे आ गए हैं, हल्की हल्की ठंड भी हो गई। ये देखो कैसे चल रहे हैं बादल यहाँ पे। देखो अनु जी, देख लो आप भी, देख लो, खूबसूरत। अनु जी देख लो, अनु जी। What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? ये है फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर। आई विश यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड हो। 20 रुपीज़ पर पर्सन, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स फ्री। ये फ्लावर नहीं है, ये इसकी लीव्स हैं, जो मतलब नेचुरली अंदर से रेड कलर की ग्रो हो रही है और साइड से जाके फिर वो ग्रीन हो रही है। अमेजिंग। I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close, ये वाली जो flowers है ना, ये यहाँ पर बहुत जगह देखने को मिलते हैं। जैसे walls होती है ना, उनपे काफी hang करके पूरे बाहर की तरफ आए होते हैं। कलर भी बहुत प्यारा है। पर मेरे को तो बड़ा अजीब लग रहा है कि इसके ऊपर शेड होने के बावजूद ये इतने ग्रीन कैसे हैं, जबकि कोई नेचुरल लाइट नहीं आ रही अंदर, और फिर भी ये इतने ग्रीन रहे। हो सकता है ये वो वाले प्लांट्स हो जिनको नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्लांट्स को तो सबको ही चाहिए होता है। कुछ इंडोर प्लांट भी तो होते हैं ना भैया, हो सकता है ये इंडोर हो। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं बोल रहे थे, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा? हाँ बिल्कुल। न्यू क्यों हो रही है मेरे? ये रह गया अपने। यो देखो हमारा रणवीर सिंह फोटो खिंचा नशा करे। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे अपने पति के गिरकानेपन पे? No comments. पढ़ मन्ना चाहिए या ना छोड़ देगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो। एक सिक्का दे। मेरी विश बोलते नहीं है, बोलते हैं। बोल दो भैया, बोल दो ना। क्या बोलते हैं आज एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लॉटरी टिकट जीतते हैं 1 करोड़ की, अगर वो निकल जाती है तो हम सारे विद फैमिली चलेंगे वर्ल्ड टूर पे। तो नहीं, मालदीव्स वर्ल्ड टूर तो नहीं होगा, लेकिन दमण एंड दीव हम सारी फैमिली एक साथ चलेंगे, और ये मेरी विश है। चलो मैडम का फोटो सेशन स्टार्ट। ये हमारे रणवीर सिंह और वो हमारी राखी सावंत सही पकड़े हैं। कितना रिश्ते तो ही भेजना है, आ जाइए। अरे तू संजीत कैसे कैसा बोला, ऐसा खींचिए जो दूसरा देना पड़ जाता काम चल जा। क्या बोला तूने? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. फिर से रणवीर सिंह जा चुके हैं फोटो के लिए। हाँ, यूं इतना ही। मैं भी आ जाऊंगी। जाओ बैठो, और क्या जाओ। हाय राम। दिस प्लेस इज डन। यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर्स थे, और जो हमने म्यूजियम देखा था वो तो नेक्स्ट लेवल था। वहाँ पर इतनी बारीकी से उन्होंने समझाया कि ये चीज़ 150 ईयर्स पुरानी है, और जो उनकी ट्रेडिशनल वेडिंग अटायर होता है वो हमें दिखाया, और एक काइंड ऑफ एप्रन होता है जो लेडीज़ पहनती हैं वहाँ पर शादी के बाद। एंड शी सेड कि ये एक तरह से लगा लो कि हमारा यहाँ का मंगलसूत्र और सिंदूर समझ लो। जिस लेडी ने ये पहन रखा होता है वो मतलब वो लड़की मैरिड है। और वहाँ पर लिटरली ऑर्गेनिक वे में कलर्स बनाते हैं, बीट रूट को पीस के, जो अखरोट वॉलनट होता है उसकी स्किन उतार के उसको पीस के डाई करते हैं उसे पानी में, और नेचुरल कलर्स से वहाँ पर कालीन बने हुए थे, रग्स बने हुए थे। एंड जो वहाँ की पेंटिंग्स थी उनमें जो गोल्डन कलर था दैट वाज रियल गोल्ड। और वहाँ पर बच्चे आते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको वही तो पूछ रहे हो कहाँ से आए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर। वो ये पेंटिंग्स बनाते हैं, और जो वहाँ 15 रुपीज़ की टिकट होती है ना, वो टिकट जाती है वो टिकट उन बच्चों के लिए जाती है, ट्रस्ट में जाती है उनके डेवलपमेंट के लिए। बहुत टैलेंटेड होते हैं वो बच्चे, बता रही थी वो लेडी। और क्या देखा, और हमने वहाँ पर जो हमारे टाइम बहुत पुराने टाइम की सिलाई मशीन देखी हमने उस टाइम की, और संदूक थी वहाँ पर जो उस टाइम सिक्किम की जो क्वीन थी वो यूज़ करती थी। ट्रंक बताए थे कि एक आदमी आया कल बॉम्बे से कि डायरेक्टर कहाँ है यहाँ का, और वो क्या बोल रहा था, इसको मॉडिफाई करो, इसको हाँ, कि ये ग्रीनरी क्यों है यहाँ पर, इसको हटाओ, काटो और यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाओ, डेवलप करो। मतलब यार फिर क्या ब्यूटी रह जाएगी ना सिक्किम की, कौन आएगा फिर यहाँ पर, कोई नहीं आएगा। मैंने पूछा कि आप चाहते हो यहाँ पर ये सब होना चाहिए डेवलपमेंट, कहते नहीं, वी वांट ग्रीनरी हेयर, जैसा हमारा सिक्किम है वैसा ही रहना चाहिए, हम नहीं चाहते यहाँ पर आकर वो ये सब करें। तो बहुत प्यारे हैं यहाँ के लोग ना, बहुत सीधे हैं और उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कराया कि की तो लेडी हाँ मतलब बहुत अच्छे से अमेजिंग तरीके से तो एक्सप्लेन करा अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को कि हमारे यहाँ ऐसा होता था, ऐसा होता था। 300 साल पुरानी लकड़ी उन्होंने दिखाई जिससे वो सिक्किम का जो आर्किटेक्चर कर रखा है, लेकिन वो कहते थोड़ा डैमेज हो गया क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक आता है 6.2 या 3 का, जिस वजह से दिक्कत आती है। ऑन क्लाउड 9 ब्लॉग्स। ये भैया मिले यहाँ पे एंड ही इज आस्किंग अबाउट, हेलो भैया, ही इज आस्किंग अबाउट माय चैनल, या दिस वन यस, थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे बताना कमेंट करके। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ हिम। मैंने बताया ना यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। और ये पार्क है यहाँ पर, मतलब सच में यार बहुत शांति है। मुझे कई बार लिटरली रिग्रेट होता है कि हमारी सिटी ऐसी क्यों नहीं है। ये यहाँ के बच्चे हैं, हे गाइस हेलो, आपका स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है, अच्छा छुट्टी हो गई, ओ एग्जाम्स चल रहे हैं, कैसे हुए एग्जाम्स? अच्छे हुए, गुड। आपका शहर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये बच्चों की छुट्टी हो गई है, वो थोड़ा चिल करने आए हैं यहाँ पर। और वो लोग उधर है, मैं जा रही हूँ। तो हमेशा जब भी म्यूजियम जाओ प्लीज आस्क देम अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दोज थिंग्स, बहुत कुछ छुपा होता है उस हिस्ट्री में। हम चलते हैं।